नाइट होने वाला है, गुड इवनिंग कह सकते हैं। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी टाइम हो चुका भाई शाम के 7:30 बज चुके हैं और बाहर एकदम अंधेरा, कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। और अभी हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, हमने अपनी पूजा भी कर दी है और अन्नी आए थे भाई 7 बजे। आज मतलब मेरा व्लॉग शूट करने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल कोई मन नहीं था, बट वही ना दिन का एंड होते होते चलो सोचा मैं क्या कर देते हैं, कल डाल देंगे, वरना तो पता नहीं कल मैं छुट्टी पे थी। तो इस बार ना मैंने अन्नी को बोल के सामान के साथ बहुत टाइम के बाद पास्ता मंगाया। मैं मंगाती नहीं थी, क्योंकि मंगाती थी तो फिर बना लेती, तो इसलिए मैं कई महीनों से मंगाया नहीं था, इस बार मैंने मंगाया और आज मैंने पास्ता बना लिया, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। आज भाई मैंने बनाया है एकदम वेजिटेबल्स, भाई कोई थी नहीं तो इसलिए मैंने डाली नहीं, सिंपल पास्ता बनाया। आज मैंने सुबह से ये सोच के रखा था कि आज मैं चीट डे करूँगी पूरा ही, क्योंकि हमने टारगेट रखा था कि हम पूरे एक महीने में 7 kg वेट लूज़ करेंगे, तो 21 को यानी कि आज से, आज क्या तारीख है, आज अब भाई 14, मतलब लगा लो 10 दिन या हफ्ता भर कह लो, तब तक हमें पूरा 7 kg वेट लूज़ करना था, बट भगवान की दया से हमारा 4 किलो हुआ है, 3 किलो अभी बाकी है और हो जाता, बट बीच में चीज़ें डगमग आ गई, मैंने बाहर का भी खाया एक दो बार, थोड़ा सा कई बार जैसे दाल भात ये सब चीज़ें खाई, तो कई बार मैंने अपने मन को नहीं मारा और खाया, पर इन एंड आउट ये रिजल्ट निकलता है कि हम कर सकते हैं। और सच बताऊँ तो जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी वो भी बोल रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा लूज़ हुआ है वेट, बट 7 kg हमने टारगेट रखा था तो 7 kg करेंगे। बट उससे पहले आज मेरे मन में थी कि आज हम पूरा दिन चीट डे करेंगे, पूरा दिन हमने नहीं किया। सुबह में मैंने बनाना स्मूदी पी थी, दोपहर में मैंने आज खाई थी शकरकंदी जो कि बॉइल्ड थी, उसमें सिर्फ नींबू और ये सब चीज़ें डाल के, मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि आज मेरा व्लॉग शूट करने का कोई इरादा नहीं था। बट अभी मैंने सुबह से ही सोच के रखा था कि मैं शाम को 5 ये पास्ता बनाऊंगी, तो नहीं आया, तो नहीं ने बोला चल आज बाहर तेरे को खिला के लाता हूँ, क्योंकि भाई मैं अपने मन को बहुत टाइम से कंट्रोल करके रखा, लेकिन जब मेरा मन करता है तो मैं सब कुछ खाती हूँ, तो अभी मैंने पास्ता बनाया, इसको खाएंगे और फिर बाहर चलते हैं। तो आज है मेरा चीट डे, जो कि आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर किया जाएगा, जब मैं डाइट पे होती हूँ तो भी शेयर करते हैं और चीट डे है तो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी ये खा लूँ फटाफट से, वैसे तो इस टाइम पे भाई मैदे की चीज़ें नहीं खानी चाहिए और ये सब चीज़ें खानी ही नहीं चाहिए, 7 बजे के बाद मैं नहीं खा रही हूँ, बट जैसा कि चीट डे है तो चीट डे में तो टाइम नहीं, फूड नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तो हम खा रहे हैं। और अभी बनाया मैंने ये, अनी से पूछते हैं कैसा बना है। बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, काफ़ी टाइम बाद खाया, अच्छा आ जाओ भाई खा लो। काफी टाइम बाद खाया, इच्छा थी बाहर का खाएं। घर पे बाहर का मिल गया तो बाहर जाने की जरूरत है, अब बाहर का प्रोग्राम कैंसिल है, हमने बाहर बैठ के खा लिया, ठीक है। चलो जी मिलते हैं खा पी के, और बाकी लड्डू अभी सो के उठा है और ये भी खा रहा है, देखो ये पास्ता नहीं खा रहा भाई, आपने इसको भाई पास्ता नहीं खिला रहे, दही खा रहा है अभी। चलो जी भाई, और का खाना खाता है। बहुत बढ़िया है, एकदम टेंगी सा और मस्त है, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद बनाया अभी मैंने। आपने? और आपने कब बनाया? मैंने बनाया सुनो बाला था सिर्फ, तड़का तो मैंने लगाया। चलो जी खा लेते हैं। मैं और अनी और लड्डू हो चुके हैं रेडी, और अब देखते हैं अनी हमें कहाँ लेके जाते हैं, लेके भी जाते हैं सिर्फ घुमा के लाते हैं, घुमा के तो लड्डू एकदम मस्त रेडी हो गया। और भैया इसके माथे पे ना मैं दिन में लिपस्टिक से खेल रहा था तो मैंने इसके लगाई और ये हटी नहीं अभी तक, और लड्डू कहीं जाना और लड्डू फटाफट से रेडी हो जाता है, मैं भी रेडी हो गई हूँ, रेडी तो क्या हुआ, कपड़े चेंज किए बस, और अनी आ रहे हैं बस फिर चलते हैं। तो भैया हम आ गए थे, हमारे पास में ही एक शॉप है, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा बर्गर मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन हमने यहाँ का बर्गर ही खाया और सच में बहुत अच्छा है, रीज़नेबल प्राइस में है। हम काफ़ी बार यहाँ आते हैं और हमें यहाँ का बर्गर
बहुत ज़्यादा पसंद है, 20-25 रुपीज़ का है अन्नी, और मैंने दोनों ने खाया और लड्डू का मन कर रहा था कि मैं भी खाऊं, तो हमने इसको थोड़ी सी बस ब्रेड ब्रेड खिला दी। गाइस बर्गर खाने के बाद अभी हमने लिया आइसक्रीम 10 रुपये वाली, चलो बात मैं खाऊँ और लड्डू को भी इसमें से ही खिला देंगे। ये देखो कैसा मुंह बना रहा है, मज़ा भी आ रहा है लेकिन जीभ भी निकाल रहा है। और ये आइसक्रीम खा लो लड्डू का। मैं बस देख देख मुंह नहीं काटता। खा लो आप। तो भाई मजा आ गया, अभी वैसे हम गली में ही चक्कर लगा रहे हैं और लेने जा रहे हैं ऑल आउट, क्योंकि मच्छर थोड़े से हो गए हैं तो वो लेकर आते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। तो भाई आ गए, आते ही अभी पी रहे हैं पानी। चॉकलेट लड्डू दे दे, ये दे दे। अब मुझे थोड़ा सा अजीब सा भी लग रहा है यार, क्यों खाया इतना ज़्यादा, बट अभी नहीं, अभी मैं काम वाम कर लूँ। लास्ट डे का आखिरी और मेरा फेवरेट, वो मैं बाहर से पीना पसंद नहीं करती, घर पे बनाते और दिखाते हैं आप लोगों को। तो गाइज अब ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है और अभी टाइम हो चुका है 10:30, सारा काम वाम 10 बजे ही हो गया था। मैंने आके किचन वगैरह क्लीन की, लड्डू के लिए दूध वगैरह गर्म किया, और आप लोगों को बताऊँ क्या हुआ, आज हमने सोचा कि हम बाहर सोएंगे मतलब हॉल में, और मैंने गद्दे लगा दिए थे, ये ब्लैंकेट रहा, तो आज मैंने नीचे मतलब गद्दे वद्दे लगा दिए, क्योंकि आज हम नीचे सोएंगे। अंदर क्यों नहीं सोएंगे मैं बता देती हूँ, क्योंकि अंदर जो बेडरूम है, बेड वाले कमरे में हमारा जो फ़ैन है वो ख़राब हो चुका है, काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने ऑन करने का सोचा तो वो चल नहीं रहा, मतलब क्योंकि बहुत टाइम से 4-5 महीने से, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम से वो बंद था, लेकिन आज मैंने ऑन किया तो वो ऑन नहीं हुआ। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गर्म मौसम है, पसीने आ रहे थे लड्डू के दिन में, और एसी अभी चला नहीं सकते, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो बाहर सोते हैं। उस वाले रूम में नहीं सोए पता नहीं क्यों, तो हमने सोचा चलो बाहर सोते हैं। तो और मैंने ना यहाँ पे टेबल पे दूध रख दिया था रात को, हमारे 1.5 किलो दूध रखा, मतलब 1 ही किलो रह जाता है दूध, और मतलब एक थैली रखी थी काओ मिल्क की, और लड्डू का दूध रखा था जो लड्डू पीता है वो वाला, तो वो तो मैंने गर्म करके बॉटल वगैरह धो के यहाँ टेबल पे रख दी, देखो मैं दिखा, टेबल पे रख दी थी तो, और दूध वगैरह मैं थी रसोई में, मैं बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी, और मैंने अनीसा जस्ट 2 मिनट पहले पूछा कि ये दूध बहुत रहेगा, क्योंकि एक हमारी मतलब थैली रखी हुई थी दूध की, तो मैं कहा अगर ये बहुत होगा तो मैं ये थैली कोल्ड कॉफ़ी बना लेती उस पर, तो अनी बोले बहुत है, और जैसे ही अनी ने बोला बहुत है ना, लड्डू ने वो पूरा लोटा खिंडा दिया दूध का, और सारे में दूध दूध हो गया। अब मैंने वापस ये सारा साफ़ किया है, अनी गए दूध देखने कि काओ मिल्क अगर पैकेट वाला मिल जाता है कहीं पर तो लेकर आते हैं। तो बस ये लड्डू देखो हमारे ऐसे काम बढ़ाता है, और आज हम बाहर लेटने वाले हैं काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि अंदर फ़ैन ख़राब हो चुका है, तो बाहर ही लेटेंगे अभी। तो बस अभी तो यही चल रहा है फ़िलहाल, ये बच्चा इतने काम बढ़ाता है हमारे, इतना परेशान करता है और अब हंस रहा है। और कॉफ़ी हमारी रेडी हो चुकी थी, बस एक बार और ब्लेंड करना था, वो अब अनी आ जाएंगे जब भी मैं करूँगी, और बस जी यार करते करते वही टाइम हो जाता है। चलो कोई नहीं, खैर इसको भी पता नहीं था, बट दुख ये हुआ दूध गिर गया उसका, नहीं दूध तो चलो गिरा उसका तो दुख है ही, अभी थी रात को, अगर दिन में होता तो अलग बात होती, 10:30-11 बजने वाले हैं और सारे में मुझे वापस से सफाई करनी पड़ी, और बस यार यही सब चलता रहता है। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों से 5-10 मिनट में, नींद को आ जाने तो फिर मिलते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया मस्त सी कोल्ड कॉफ़ी, दूध ही कह सकते हैं इसको, पर बहुत अच्छी है, कोल्ड है, अनी बताएंगे बाकी। तो बहुत बढ़िया भाई, किस्मत वाला हूँ, जैसे बहू मिली जिसको रात को भी मिल रहा है, मजा आ गया। नहीं यार सच में कोल्ड कॉफ़ी टच वुड मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, अपने मुंह में या मिट्ठू हो गया, लेकिन सच में मैं कोल्ड कॉफ़ी अच्छी ही बनाती हूँ, वैसी कॉफ़ी का तो पता नहीं लेकिन कोल्ड कॉफ़ी अच्छी बनाती हूँ। तो अभी पी रहे हैं, बस आज का हमारा चीट डे था और बहुत सारा कुछ खा लिया है। जो जो सोचा था सब कुछ खाया और अच्छा लगा बहुत, काफ़ी दिनों के बाद। तो बस जी आप, ये ब्लॉग में भी बहुत शॉर्ट होने वाला है, मैं नहीं आज बनाने वाली थी, बट फिर भी हमने शाम को स्टार्ट किया और ब्लॉग बनाया,
तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के व्लॉग में आपको पूरे में ज़्यादातर खाना ही खाना दिखने वाला है, बट कोई नहीं, इन्जॉय करना आप लोग। और आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नए और मज़ेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और राम राम जी सभी को। कॉफ़ी बहुत बढ़िया थी, मज़ा आ गया पी के, मन चंगा ही चंगा। धन्यवाद आपका तहे दिल से। बार जैसी है, बार तो वैसे होते भी घर की होती है, बार वाले से बहुत अच्छी थी।